नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पंकज और आज मैं लेकर आया हूं। क्या हुआ, मैं नहीं दिख रहा हूं? दिखूंगा भी कैसे, मेरे सामने जो ये कैंपस के टॉप 10 शूज रखे हैं इसके पीछे मैं छिप गया। तो चलिए इन्हीं जूतों का आज हम लोग अनबॉक्सिंग और रिव्यू करते हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो अपना धैर्य बना के रखिएगा और ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप 10 कैंपस स्पोर्ट शूज। ये रहा नंबर 10 का जूता, फ्लैश न्यू। लुक वाइज बहुत ही यूनिक दिया गया है और जो कलर कॉम्बिनेशन इसमें यूज किया गया है वो भी बहुत अच्छा है। चाहे इसका व्हाइट कलर का शूज हो, चाहे ब्लैक हो, चाहे ये जो सामने आपके दिख रहा है नेवी, बहुत ही अच्छा बनाया गया है। इसमें एडवांस सोल टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है जिसके वजह से इसके सोल में काफी अच्छी ग्रिपिंग मिलती है। जो सोल का मटेरियल यूज किया गया है इसके वजह से आपके चलने की स्पीड भी काफी इंप्रूव हो जाती है। ये आपको 2299 इसकी MRP है। ऑनलाइन वगैरह में हो चाहे रिटेल में, मिनिमम 20% का ऑफ आपको जरूर मिल जाता है, तो ये 1800 के लमसम आपको मिल जाएगा। इसमें इंसोल योगा मैक्स वाला यूज किया गया है जो कि काफी अच्छा बनाया गया है। एक तरीके से मेमोरी फोम से थोड़ा सा 20 ही कह सकते हैं इस वाले इंसोल को। नंबर 9 के जूते की बात करते हैं, ये आर्टिकल है कैंप बोनफायर। इस जूते की लुक की बात किया जाए तो इनका क्लासिकल लुक जैसा होता है कैंपस में वैसा ही प्रोवाइड किया गया है। कुछ सोल मिड सोल में इंप्रूवमेंट किया गया है, जैसे ये देखिए आप, यहाँ पे थोड़ा सा हाइट इसकी बढ़ा दी गई है और यहाँ पे थोड़ा सा एक गड्ढा नुमा कर दिया गया है जिसमें थोड़ी बहुत ब्रांडिंग कर दी गई है जिसको लिख रहे हैं सपोर्ट टेक। इसके अपर की बात किया जाए तो अपर मेज काफी विजिबल है, छूने से काफी सॉफ्ट फील हो रहा है। और इसके इंसोल की बात किया जाए तो नॉर्मल इंसोल का यूज किया गया है। ये थोड़ा सा इस जूते में निगेटिव पॉइंट है जिसके वजह से ये 9 नंबर पे है। जैसा आपको दिख रहा है इसमें 2 से 4 कलर अवेलेबल हो जाते हैं। हम लोग के पास 2 कलर इस समय सामने दिख रहा है, व्हाइट और नेवी। इसके अलावा इसमें ग्रे कलर, ब्लैक कलर और भी कई कलर आपको मिल जाते हैं। इसकी MRP 1699 है। आसानी से आपको रिटेल में जाइए 1360 रुपए में, या फिर ऑनलाइन वगैरह देखिए 1360 रुपए से कम या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा में आपको ये जूता अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग 8वें नंबर के जूते की बात करते हैं। 8वें नंबर पे है कैंप डिलाइट। इस शूज का डिजाइन बहुत ही स्लीक और यूनिक बनाया गया है और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ये देखिए आप, इसके कलर कॉम्बिनेशन की वजह से आपके पर्सनालिटी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जरूर होगा जब आप इस जूते को पहन के आप बाहर निकलेंगे। तो अपर में ब्रीदेबल मेश का यूज किया गया है जो कि बहुत ही सॉफ्ट है। इसके सोल की बात किया जाए तो सोल फाइलोन सोल का यूज किया गया है जो कि ग्रिपिंग बहुत ही अच्छा बनाएगा। लाइट वेटेड जूता है ये, वेट के मामले में भी बहुत अच्छा है। इसमें जो इंसोल यूज किया गया है वो भी योगा मैक्स वाला इंसोल यूज किया गया है, नॉर्मल इंसोल नहीं है, जिससे ये जूता बहुत ही अच्छा क्वालिटी वाइज भी बन जाता है। इस जूते की भी प्राइस 1699 है, तो ये आपको 1360 या उससे कम में आराम से मिल जाएगा। तो अब हम लोग नंबर 7 के जूते की बात करते हैं। नंबर 7 पे है इनका सेंसर आर्टिकल। ये आर्टिकल देखिए, ये ऑनलाइन पे नहीं मिलेगा। ऑनलाइन पे अगर आपको इस टाइप का जूता चाहिए तो आर्टमिस सर्च करिएगा, इससे थोड़ा सा वो 19 होगा लेकिन इससे थोड़ा सा आपको कम दाम में भी मिल जाएगा। इस शूज का डिजाइनिंग बहुत ही आई कैचिंग है, ये पहली नजर में पसंद आने वाले जूतों में से है। इसकी थोड़ी सी ड्रॉबैक है इसकी साइजिंग का इशू इसमें हमेशा रहता है, ओवर साइज होता है ये जूता। अगर आपका रेगुलर साइज 8 नंबर है तो आप 7 नंबर जूता ट्राई करेंगे वो भी आपको हो सकता है। तो मेरा सजेशन रहेगा ये जूते आप ऑनलाइन नहीं परचेज करिए, किसी रिटेल में जाके बेकायदे इसको ट्राई करिए फिर परचेज करिए। इसके सोल की बात किया जाए तो इसमें इन्फिनिटी कैप्सूल यूज किया गया है जिसके वजह से ये बहुत ही कंफर्टेबल बन जाता है। इसमें इंसोल जो यूज किया गया है वो है नॉर्मल इंसोल। ये थोड़ा सा जितने भी कैप्सूल वाले या ट्यूब वाले शूज आते हैं उसमें नॉर्मल इंसोल ही कैंपस हमेशा से यूज कर रहा है, तो इसमें भी नॉर्मल इंसोल का ही यूज किया गया है, वो थोड़ा सा मुझे निगेटिव समझ में आता है। इसके अपर की बात किया जाए तो अपर का जो मेस है वो थोड़ा डिफरेंट है। नॉर्मली नेट वाला मेस यूज किया जाता है जो कि सॉफ्ट होता है, लेकिन इसमें क्लोदिंग का यूज करके नेट को जो इसका मेस है उसको बनाया गया है जिसके वजह से इसका लुक और अपर डिफरेंट हो जाता है। इस जूते की MRP 1999 है। डिस्काउंट के बाद ये आपको 1600 रुपए में आसानी से मिल जाएगा, वो चाहे ऑनलाइन हो चाहे रिटेल हो। अब नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 6 पर है इनका कैंप टियागो। ये जूता बहुत ही यूनिक बनाया गया है, यूनिक इसके क्वालिटी वगैरह से नहीं है, यूनिक इसकी प्राइसिंग है। अभी तक हम लोग ने जितने जूतों की अनबॉक्सिंग की सबकी MRP किसी की 2299, किसी की 1899, किसी 1699, लेकिन ये जूता आपको जो सामने दिख रहा है इसकी MRP सिर्फ 899 है जिसके वजह से ये जूता बहुत ही सेल होता है।
अगर किसी को अंडर 1000 जूता चाहिए तो ये जूता ले सकता है। 899 इसकी एमआरपी है, आराम से 650-700 में ये आपको मिल जाता है रिटेल्स वगैरह में। इसका अपर मेस का यूज करके बनाया गया है जो कि ब्रीदेबल है। इसका सोल ईवा सोल पे बनाया गया है जो कि जितनी प्राइसिंग है उस हिसाब से बहुत ही अच्छा होगा। काफी लाइट वेटेड जूता है ये वाला। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को पूरा देखा है इसका मतलब वीडियो आपको पसंद आ रहा है, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं और ऐसे ही या इससे अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इसके सेकंड पार्ट को बनाते हैं। सेकंड पार्ट में नंबर 5 से लेकर नंबर 1 तक के जूते को हम लोग कवर करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों नंबर 5 पे इनका वायु आर्टिकल है। तो दोस्तों इस जूते का लुक देखिए बहुत ही यूनिक डिजाइन पे है, बिना लेसेस का है, और ये जूता हमेशा ट्रेंड में रहता है। वो चाहे यूथ हो चाहे मिड एज के आदमी हो, सभी को इस टाइप का जूता बहुत ही पसंद आता है। ये एक यूनिक डिजाइन पे बनाया गया है। इसका अपर देखेंगे तो मेस का यूज करके बनाया गया है जो कि काफी ब्रीदेबल होता है, और यहाँ से ये सॉक्स पैटर्न पे बनाया गया है। यहाँ पे आप जब जूते पहनेंगे तो ये आपके पैरों को ऊपर से एक ग्रिप प्रोवाइड करेगा। इसके सोल की बात किया जाए तो ईवा सोल पे है, काफी कंफर्टेबल ईवा यूज किया गया है। ग्रिपिंग ईवा पे थोड़ा सा कम रहता है, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। कलर कॉम्बिनेशन अगर बात किया जाए जूते की तो 3 कलर में इस समय हम लोग के पास है। ये देखिए नेवी कलर का, ये ग्रे कलर का, ये ब्लैक कलर का। इसी तरीके से 7-8 डिजाइन आपको और मिल जाएंगे। इसकी एमआरपी की बात किया जाए तो एमआरपी बढ़ गया है, 1119 रुपए हो गया है, लेकिन आप चिंता मत करिए 20% डिस्काउंट हम लोग से भी लेते हैं, तो 20% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, या फिर ऑनलाइन भी आप सर्च करेंगे तो भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। रिटेल से भी आप इस जूते को ले सकते हैं, वहां पे भी आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 4 पे है फ्लो प्रो। इसमें 2 कलर आपको मैं अभी खोल के दिखाऊंगा, अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। बहुत ही यूनिक डिजाइन पे ये जूता बनाया गया है। एक ये देखिए नेवी कलर का है, बहुत ही अट्रैक्टिव और यूनिक आई कैचिंग डिजाइन इसे आप कह सकते हैं। दूसरा है इसका ब्लैक कलर। इसका मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखा है, आई बटन पे क्लिक करके सारा डिटेल आप इस जूते का वहां से भी देख सकते हैं। इसके अपर की बात किया जाए तो अपर में ब्रीदेबल मेस का यूज किया गया है, और छूने से अपर काफी सॉफ्ट फील हो रहा है। कुछ अलग ही मटेरियल यूज करके इसके अपर को डिजाइन किया गया है। इसके इंसोल की बात किया जाए तो नॉर्मल इंसोल का यूज किया गया है। इसमें ना तो योगा मैक्स इंसोल ना ही मेमोरी फोम वाला इंसोल यूज किया गया है। इसके सोल की बात किया जाए तो फाइलोन सोल का यूज करके बनाया गया है। इसकी कटिंग भी थोड़ी डिफरेंट है जिससे आपको एक अलग से ग्रिपिंग प्रोवाइड होगा। इसकी एमआरपी की बात किया जाए तो 1699 इसकी एमआरपी है, 1300 तक में ये जूता आपको मिल जाएगा। नंबर 3 पे है कैंपस का नॉर्थ। ये जूता कई सालों से नंबर 1 पोजीशन पे बना हुआ है। अगर आप हम लोग के पुराने सब्सक्राइबर हैं तो भी आप इस जूते को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए ये कई सालों से नंबर 1 पे बना हुआ है और आज भी इसकी डिमांड बनी हुई है। इसका ब्लैक कलर जो आपको सोल और अपर दोनों ब्लैक है वो काफी ज्यादा डिमांड में रहता है, और इसका एक और कलर आता है ब्लैक रेड जिसमें सोल जो होता है वो रेड कलर का होता है, वो भी काफी डिमांडेड जूता है। बाकी इसके नेवी रेड वगैरह वो थोड़े डिमांड कम हो गए हैं, लेकिन इसका डिमांड हमेशा से बना हुआ है। जूते की डिजाइन बहुत ही क्लासिक लुक में है। ये देखिए इसके सोल की बात किया जाए तो फाइलोन सोल का यूज किया गया है, बैक साइड में एयर कैप्सूल का यूज किया गया है। इसमें जो इंसोल यूज किया गया है वो है मेमोरी फोम वाला इंसोल। इसके अपर की कटिंग भी जैसा मैं सेंसर में बात किया था उसी टाइप का कुछ है। इसमें प्योर जो नेटेड होता है वो नहीं है, क्लोदिंग वाला मेस का यूज करके इसके अपर को बनाया गया है। अब इसकी प्राइसिंग 1899 हो गया है, इस पे डिस्काउंट भी काफी मिल जाएगा, तो ये 1500 तक का जूता ओरिजिनल मिलेगा। आप ऑनलाइन सर्च करेंगे अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे तो कई सेलर्स इस जूते को 1000 रुपए में बेच रहे हैं, तो आप उनसे थोड़ा सावधान हो जाइएगा क्योंकि वो 100% कॉपी है कैंपस के नॉर्थ की। 1000 रुपए में ये जूता आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप एक ऑन एमआरपी जूते मंगा लीजिएगा और 1000 रुपए, और दोनों में कंपेयर करके देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये 1000 रुपए वाला जूता कॉपी है। तो चलिए अब हम लोग नंबर 2 के जूते की बात करते हैं। नंबर 2 पे एक ही टाइप का डिजाइन है, पहले मैं आपको डिजाइन दिखा देता हूँ। ये देखिए ये आर्टिकल है स्प्रिंटर जिसकी एमआरपी है 2299 रुपए। ये आर्टिकल है डेकन। दोनों का डिजाइन बिल्कुल सेम बनाया गया है और प्राइसिंग में भी 100 रुपए का डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है, जिसके वजह से इसका जो सेल है वो भी काफी अच्छा रहता है। इसमें सबसे ज्यादा हीट आपका ये है डेकन जो पिछले साल से आ रहा है। इसका व्हाइट कलर का जूता बहुत ही ज्यादा हीट है, और इस साल ये जूता लॉन्च हुआ है स्प्रिंटर, इसकी प्राइसिंग कम है। कम क्यों है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये नंबर 2 पे अपनी पोजीशन बनाने में कामयाब हुआ है। इन दोनों के क्वालिटी की बात करते हैं। सबसे पहले
सोल की बात करते हैं, सोल बिल्कुल सेम दिया गया है। इसमें थोड़ा संतर आपको दिख रहा होगा कि ये ऑरेंज कलर है, ये है तो अंदर इसके ईवा ही यूज है, बस कलर का डिफरेंस है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा। दोनों ही पायलट सोल का यूज करके जूते को बनाया गया है। इस जूते में भी साइजिंग का थोड़ा इशू रहता है क्योंकि ये ट्यूब वाले सोल है या फिर आप जिसको पायलट सोल कहते हैं वो है, तो इसको भी मैं भी सजेस्ट करूंगा कि इसको भी आप रिटेल या शोरूम से खरीदिए ताकि आपकी साइजिंग का इशू न क्रिएट हो ऑनलाइन वगैरह से मंगाने पर। इसके अपर की बात किया जाए तो डेकन के अपर की बात किया जाए तो इसमें थोड़ा सॉफ्ट नेट का यूज किया गया है, जबकि स्प्रिंटर में थोड़ा सा क्लोथिंग वाला नेट यूज किया गया है जिसकी वजह से ये थोड़ा कम सॉफ्ट है। बाकी दोनों ड्यूरेबिलिटी बहुत ही अच्छी बनाई गई है। एक और अंतर है दोनों जूते में, डेकन में मेमोरी फोम वाला इंसोल यूज किया गया है जबकि स्प्रिंटर में नॉर्मल इंसोल का यूज किया गया है। इसके कलर कॉम्बिनेशन की बात किया जाए तो दोनों में सेम कलर आता है, जैसे आपके सामने नेवी है, इन दोनों का व्हाइट, ब्लैक, ग्रे, इतने कलर तो नॉर्मली आपको मिल ही जाते हैं। इसके प्राइसिंग की बात किया जाए तो ये 2400 का, ये 2300 का, एक एक रुपए कम कर लीजिएगा, और डिस्काउंट के बाद ये अंडर 2000 में आपको हर जगह अवेलेबल होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं नंबर एक के जूते पे। अभी तक 9 जूते की अनबॉक्सिंग और रिव्यू हम लोग ने थोड़ा थोड़ा किया है क्योंकि इतने सारे जूते हैं, अगर बहुत डिटेल में बात करेंगे तो जैसा मैंने शुरू में कहा था कि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा भी बात करें। अब तो चलिए नंबर एक के जूते की बात करते हैं। ये देखिए नंबर एक पे है कैंप ग्रेन, ये नया जूता है, इसी साल लॉन्च हुआ है। ये देखिए अगर इसके डिजाइन की बात किया जाए तो ये आई कैचिंग डिजाइन पे है, पहली नजर में पसंद आने वाला ये जूता है। इसके सोल का कलर कॉम्बिनेशन हो, अपर का कलर कॉम्बिनेशन हो, बहुत ही यूनिक बनाया गया है। इसके सोल में एंटी स्किड टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है जिसके वजह से ये काफी ड्यूरेबल और इसकी ग्रिपिंग बहुत ही अच्छी बन जाती है। जैसे इसके सोल में लिखा भी है एंटी स्किड टायर टेक इन द सेंस की जो टायर में कटिंग वगैरह यूज होता है उसकी टेक्नोलॉजी का यूज करके जूते को बनाया गया है। मिड सोल की बात किया जाए तो काफी सॉफ्ट है ये देखिए आपका, और इसका मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया है, आई बटन पे क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं, वहां मैंने बहुत ही डिटेल में इस जूते का रिव्यू किया है। इसके अपर मेज की बात किया जाए तो काफी सॉफ्ट, मतलब छूने से ये फील होता है कि इसमें इसका जो मेज है वो काफी सॉफ्ट है, ब्रीदेबल भी है, और इसके प्राइसिंग वाइज इसका इंसोल जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन लुक वाइज इतना अच्छा है कि वो कसन बहुत तेज आ रहा है ये कस्टमर को, जबकि इसमें जो इंसोल यूज किया गया है वो भी नॉर्मल इंसोल यूज किया गया है। इसमें या तो योगा मैक्स या फिर मेमोरी फोम का इंसोल यूज करते तो ये जूता बहुत ही अच्छा बन जाता। इसके कलर कॉम्बिनेशन की बात किया जाए तो इसमें व्हाइट, ग्रे, ब्लैक, नेवी, चार कलर आपको अवेलेबल है। अगर मुझे ये जूता लेना हो तो मैं इसका व्हाइट कलर लूंगा, बाकी जो कलर है उसमें इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है कि पसंद किया जाए, लेकिन व्हाइट कलर बहुत ही आई कैचिंग और बहुत ही यूनिक, बहुत ही परफेक्ट डिजाइन है जिसकी वजह से मैंने इसको नंबर एक पे रखा है, मतलब कह सकते हैं कि ये मेरा पसंदीदा जूता है। तो दोस्तों ये थे कैंपस के टॉप 10 स्पोर्ट्स सोल्स। इसमें हम लोगों ने ईवा सोल, फाइलोन सोल, पायलट सोल, एंटी स्किड सोल, टायर टेक्नोलॉजी वाला सोल, लगभग जितने सोल कैंपस बनाते हैं सबको कवर करने की कोशिश किया है। अपर के जो क्वालिटी होती है जितने भी मेस होते हैं इनके लगभग सबको इंक्लूड करने की कोशिश किया है, व्हाइट कलर का जूता से लेके व्हाइट, नेवी, ब्लैक सभी को इंक्लूड करने की कोशिश किया गया है। 700 रुपए से लेके 2000 से ऊपर तक के जूते इसमें शामिल थे। दोस्तों आपको इसमें से कौन सा जूता पसंद आया है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको हम लोगों की मेहनत पसंद आई हो, लगा हो कि हम लोग ने एक अच्छा वीडियो बनाया है, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, जरूर कमेंट करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।